नमस्ते, मैं हूँ उमा और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। हर लड़की अपने पापा को सुपर हीरो कहती है, समझती भी है, पर अगर वो ही आपके साथ या किसी महिला या लड़की के साथ घिनौनी हरकत करे तो आप टूट जाएंगे। दरअसल हम ऐसी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक बाप ने अपनी 5 साल की बच्ची का रेप किया। एक बार नहीं, कई बार। ये वाकया तेलंगाना का है। यहाँ 5 साल की बच्ची है जिसकी माँ ने पुलिस को बताया कि उसके पिता ने ही अपनी ही बेटी का कई बार रेप किया है। नशे की हालत में उसने ये वायात हरकत कई बार की है। महिला ने इस मामले की शिकायत थाने में की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो के तहत मामला भी दर्ज कर लिया है। आरोपी को पुलिस ने जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया है। बच्ची की माँ और बच्ची को दोनों को ही काउंसलिंग और मेडिकल जांच के लिए भेजा जा चुका है, लेकिन इसमें बार एसोसिएशन, जो तेलंगाना का बार एसोसिएशन है, उसकी महिला बार एसोसिएशन के सदस्यों ने इस केस की पैरवी करने से साफ मना कर दिया है। उनका कहना है कि अगर कोई भी वकील इस केस की पैरवी करेगा तो वो उसके खिलाफ काउंटर फाइल करेंगे। ऐसे ही एक एडवोकेट हैं जो महिला बार एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, प्रसन्ना नाम है उनका। उन्होंने कहा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। एक पिता ने कई बार अपनी ही बेटी से रेप किया। ये रेप मलकाजगिरी कोर्ट के अंतर्गत आता है। इस मामले की जानकारी जब हमें हुई तब हमने इस केस को लड़ने से साफ मना कर दिया। ना ही कोई वकील बेल पिटीशन फाइल करेगा और ना ही कोई आरोपी के पक्ष में पैरवी करेगा। इस फैसले में और भी कई वकील हमारा साथ दे रहे हैं। अगर कोई वकील कोर्ट में बेल पिटीशन फाइल करता है तो हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर और पुलिस की मदद से काउंटर फाइल करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे ही अलीगढ़ के केस में हुआ था। अलीगढ़ बार एसोसिएशन के वकीलों ने आरोपी का केस लड़ने से मना कर दिया था, साथ ही बाहरी वकील को भी इस केस की पैरवी करने से मना कर दिया था। उस बच्ची के साथ रेप नहीं हुआ था, लेकिन लोगों ने उस केस को एक रेप का एंगल देने की कोशिश की थी। वो मासूम बच्ची थी, 5 या 6 साल की उस बच्ची की निर्मम हत्या कर दी गई थी, लेकिन लोग उसे रेप का एंगल देने की कोशिश कर रहे थे। वकीलों ने तो अपना पक्ष बता दिया कि वो केस नहीं लड़ेंगे और ना ही किसी को लड़ने देंगे, अगर कोई लड़ेगा तो काउंटर फाइल कर देंगे। देखा जाए तो वकीलों का ये फैसला काबिल-ए-तारीफ है, लेकिन आप खुद सोचिए, सभी को अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है। संविधान भी यही कहता है, अगर कोई प्राइवेट वकील नहीं कर सकता तो उसे कोर्ट सरकारी वकील मुहैया कराता है, पर बिना वकील मामले में कोई फैसला नहीं होता है। तो आरोपी का जुर्म कैसा भी हो, उसे अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है। जेल भले ही भेज दिया जाए, उस आरोपी के पक्ष में फैसला भले ही ना आए, लेकिन उसे वकील देने का पूरा अधिकार है। अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।